Hi, so are we live? I'm waiting. Let's see, audience is going to join us. Yeah, so I would just like to inform, soon we are going to be live with very lovely and gorgeous Pritika Rao. So I'm waiting for her to join in. So let's see. I'm good. Hi, ma'am. How are Good you? I am first class in quarantine mode. Oh my God, such an epic reply. So, ma'am, looking very lovely and gorgeous as always. Thank Quarantine you, thank full you. effect दिख रहा आप पे. माशाल्लाह, शुक्रिया. क्योंकि सब हम लोगों को देखो, हम बहुत ही ऐसे हालात में पहुंच गए हैं कि एक एक महीने से हम सैलून नहीं जा पाए, अपनी बियर्ड्स नहीं कटवा पा रहे. लेकिन यू आर लुकिंग एज यूजुअल ऑसम. क्यों आप बियर्ड खुद नहीं कर सकते? नहीं हो पाता क्योंकि घर में क्यों पोचा मशीन मशीन है? अच्छा, ओके, आपको वो डिजाइनर कट चाहिए. नहीं, क्योंकि पोचा और बर्तन सब मुझे ही करना पड़ता है आजकल अच्छा, ओके, आई तो. अंडरस्टैंड, आई फुली अंडरस्टैंड, आई एम फुली विथ यू. सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल वॉन्ट टू नो हाउ इज योर क्वारंटीन अभी. स्टिल वी हैव 7 days टू गो. सो अब टिल लाइक 14 days में क्या क्या आपने किया है? ओ, डू यू रियली थिंक पहले तो कि ये सिर्फ 7 more days तक लास्ट होगा? आई डोंट थिंक सो. आई वोंट बी सरप्राइज, एटलीस्ट महाराष्ट्र के लिए अगर एक्सटेंड हो जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज. ओके, तो टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने क्या क्या किया. मैंने ओके, नेटफ्लिक्स और सब मैं अभी इस वक्त देख नहीं रही हूँ. सो सॉरी टू ऑल द पीपल हु थिंक आई एम वॉचिंग स्टाफ. नो, आई हेल्प्ड माई मॉम अ बिट इन कुकिंग. आई ट्राई टू लर्न मोर बिकॉज आई ऑलरेडी नो हाउ टू कुक, बट आई जस्ट ट्राई टू लर्न मोर रेसिपीज. एंड आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, कॉट अप विद देम, डिड अ लॉट ऑफ वीडियो कॉल्स. सो आई बीन स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. सबसे बातें हो रही है. एंड ऑफकोर्स सोशल मीडिया आपको बिजी रखता ही है. सो या आई मीन आई एम काइंड ऑफ बिजी विथ सोशल मीडिया स्टफ हैपनिंग. ओके, सो एस्मा कैट है एंड शी इज फ्रॉम टर्की. सो शी इज सेइंग यस. प्रीतिका आई लव यू ओह, एंड थैंक इन यू. न्यू डिश यू हैव लर्न्ड. ओके, विच न्यू डिश? ओके, टुडे वी बेक्ड अ केक बिकॉज इट्स माय डैड्स बर्थडे. सो यस. सो फ्रॉम द टीम ऑफ स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ, वी विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड लेट्स. थैंक यू गाइस, थैंक यू, दैट्स लवली, थैंक यू सो मच. या So you just made a cake today. Anything special other than यस. that? स्पेशल तो अभी डम्पलिंग्स बन रहे हैं, जो मोमोज है वो बन रहे हैं. माय मेरी ओके. मॉम बना रही है. शी इज अ वेरी गुड कुक, सो दैट शी इज मेकिंग इट. एंड या आई थिंक आई जस्ट हैड सूप, सो इट्स लाइक सूप, डम्पलिंग्स एंड केक. ओके. दैट्स द मेन्यू फॉर टुडे. ग्रेट. ग्रेट. तानिया शरीन है एंड शी इज फ्रॉम पाकिस्तान. कैन यू प्लीज रिप्लाई हर वंस? तानिया शरीन. हाय तानिया, फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू सी द कॉमेंट्स. ओके, हाय तानिया शरीन फ्रॉम पाकिस्तान, आई कैन सी यू नाउ. हेलो. एंड सईद एंड होल लॉट ऑफ देम आर देयर. सत्या, थैंक यू सत्या. आकाश, बिग बॉस अजीत, आकाश, हेलो 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 एवरीबडी. सैयद नाशरा है एंड ये कह रहे हैं, मैम आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स. आई वांट टू मीट यू मैम एंड आई एम योर फैन सिंस आई वाज 9 years ओल्ड. Wow. So let's see how we can do that. Maybe you'll have to call, get in touch with school life versus college life, and maybe I can meet you through them. We can श्योर do श्योर something. यार, ये कोरोना का इफेक्ट चला जाए, लॉकडाउन खत्म हो जाए, हम तो बिल्कुल जाएंगे कि Totally. बोलिए. आज है. एंड ये कह रहे हैं, यू एंड योर सिस्टर अमृता बोथ आर वेरी अमेजिंग एंड आई एम बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू. Oh, how sweet. Thank you so much. एंड सोहम सेइंग हैप्पी बर्थडे टू योर डैड, सोहम फोटो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, विल यू कम टू टर्की वन डे प्लीज प्रीतिका? कैन यू प्लीज कम टू टर्की?
I would have loved to do a Turkey visit this year, but unfortunately, because of so much of chaos, I don't know ke abhi international traveling aur kitne mahino tak safe hai, nahi hai, I really don't know. So it all depends on the virus, the Yes. Hollywood style virus, जो किसी हॉलीवुड मोशन पिक्चर की तरह आकर हमारे दुनिया को एकदम अटैक कर गया है किसी एंड ने सब लोग गलत अपने डिसीजन ले ली लग रहा है मैम। सब सब लोग अपने घरों में लॉक्ड है. आई फील लाइक आई एम वॉचिंग अ हॉलीवुड मूवी, राइट, यस विद दिस वायरस. राइट। द तो वायरस, यू नेवर नो, आ भी सकता है, हॉलीवुड में फिल्म भी बन सकती है द वायरस. सो समवन इज आस्किंग मैम, थोड़ा केक फैंस में भी बांटा जाएगा हाँ, क्यों नहीं, अभी तक एक्चुअली केक कटिंग सेरेमनी हुई नहीं है, शायद 8 या 8:30 बजे हो जाएगी, या मे क्या? बी इवन ओके 9 तक. या या वी ऑल विल गेट टू नो वंस पिक्चर्स विल बी आउट, सो हमें पता आल से चल आल पुट द पिक्चर. जाएगा। या ब्लॉग राइटर 43 इज आस्किंग मैम, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर मैरिज? विवाह यू मीन? आई थिंक ऑनेस्टली आई थिंक के इन टुडेज टाइम्स मैरिज इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू गेट मैरिड, दैट्स व्हाट आई फील, वो मेरा परसेप्शन है. एंड जिनकी हो जाती है गुड लक, बट वो इट शुड नॉट बी लाइक अ प्रेशर कि शादी करनी ही है, दैट शुड नॉट बी अ प्रेशर, बिकॉज मैं काफी लोगों को जानती हूँ जिनकी 2 शादियां हुई हैं, दोनों टूट गई है. सो समटाइम्स इट्स रिस्की, सो देर इज नो गारंटी फॉर मैरिज. सो ग्रेट। क्रिस्टांटी क्रिस्टांटी है एंड शी इज फ्रॉम इंडोनेशिया। हैप्पी बर्थडे टू योर डैड एंड लॉट्स ऑफ विशेस टू यू फ्रॉम इंडोनेशिया। थैंक यू इंडोनेशियन फैंस, थैंक यू सो मच. एंड आई एम ग्लैड यू कुड ज्वाइन दिस लाइव, बिकॉज मैंने इस लाइव का कोई अनाउंसमेंट भी नहीं किया था. थ्रू आउट द डे आई वॉज लाइक सो ऑक्यूपाइड डूइंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स कि आई कुडंट इवन पुट अप अ नोटिस और और समथिंग दैट आई एम गोइंग टू कम लाइव. कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही लाइव आ जाती हूँ झट से Yeah, no एकदम. worries, no worries. One Insta ID is there, y_Pritika, and she's requesting, can you please share a picture with your parents? Not right now, because right now if you immediately ask me I won't have one, and give me some time. I can maybe later Okay, on so social media. somebody has given a message, बाद में अजीत सेडा एंड बोल रहे, since movie विवाह, she is my most favorite actress. So just, so I think वो एक टच आप में है अमृता का, so maybe he got confused. No, I think they're telling me that they really like Amrita's movies. A lot of my fans are her fans too. So, Okay. So Preeti is asking, tell me one song on which you can dance anytime. Oh my God. काफी गाने हैं यार. आई एम एक्चुअली अ वेरी रिदमिक पर्सन, फुली इन टू म्यूजिक एंड सो या कोई भी, एनी वन दैट हैज अ गुड लाइक गुड बीट. ओके, सो समबडी इज फ्रॉम इंडोनेशिया एंड शी हैज अ मैसेज, आकू सिंटा कमू फ्रॉम इंडोनेशिया। आपको चिंता कामू, दैट मीन्स आई ओके लव यू. सो आप ओके चिंता कामू टू ऑल द इंडोनेशियन फैंस आउट देयर. ओके सो ब्लॉग राइटर इज मेकिंग अ कंक्लूजन, सो इट मींस यू आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड। Well, blog writer, you never know, I just may not. रास्ता खाली है. Which app you are using mostly on your phone right now? Oh God, okay. Which app? I think Instagram, and I'm on YourShot, by the way. If anybody wants personalized messages or birthday wishes or anniversary wishes, I'm on YourShot. I give them personalized messages through YourShot. And what else? Okay. यही सारे एप्स है, और FB, TikTok, इंस्टा 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 इंस्टा, बट आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज
ये टाइम ऐसा चल रहा है कि आई डिडंट वांट टू कीप पोस्टिंग पिक्चर्स एंड लाइक आई हैव लाइक पोर्टफोलियो पिक्चर्स लाइक ऑल द मॉडलिंग शॉट्स. आई डिडंट वांट टू डू दैट. आई डिडंट वांट टू कीप पोस्टिंग पिक्चर्स एंड मेकिंग एवरीबडी आई डोंट नो लाइक अ लॉट ऑफ एक्टर्स डू दैट. बट आई थॉट लेट मी जस्ट टेक इट इजी बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग थ्रू अ वेरी गुड फेज राइट नाउ. राइट मेंटली एवरीबडी इज नॉट दैट एवरीबडी इज लाइक स्केर्ड एंड ज़ोन्ड आउट. राइट सबकी अपनी अपनी राय होती है. कुछ लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं. आई टेक माई टाइम. सो सोहा खान इज आस्किंग व्हाई आर यू सो ब्यूटीफुल. ओ माई गॉड, यू शुड आस्क दैट टू माई पेरेंट्स. आई डोंट नो इफ आई एम नॉट. सोहा ओके खान, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. अतिशेक है एंड ये कह रहे मैम लास्ट लाइव में भी आपने मेरा रिप्लाई दिया था, कैन यू प्लीज रिप्लाई मी वंस. अतिशेक श्रीवास्तव. What is his name? अतिशेक श्रीवास्तव. आतिशेक. ये मैंने नाम कभी सुना ही नहीं है. ये बहुत रेयर नाम है मेरे लिए. आतिशेक श्रीवास्तव. या सो ये कह रहे लव यू लव मैम प्लीज रिप्लाई. लव यू बैक. सोहम इज आस्किंग आई एम योर ह्यूज फैन. Is there any possibility of Beinteha season 2? A lot of people are asking me that if there's a possibility for Beinteha season 2, but मुझे नहीं लगता है. I don't think so. Because it's been a long time and the people, the agency, the company, everything, production house, people in the channel, everything has moved, changed. So I don't think it'll happen, but it happens. I don't know. I don't know. I'm not sure if I really want to do that much of television anymore. Okay, so Rana is asking any plans to do a web series in coming time? Yes, in fact, I already shot for a web series and I just finished dubbing just few days back for that the Love Stories web series that I'm doing. It'll most probably be on Amazon Prime. Okay. Yes. Yeah, so eagerly waiting. Let's see कब आता है. Thank you. Love from Tanzania. Hello, guys. Lots of love from Tanzania. Last April, I was in Tanzania at this time, ओके shooting for an ad film there. Yes, अगेन सम इज Nandini. आस्किंग विल यू व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड. विल यू लिव योर लाइफ विदाउट अ लाइफ पार्टनर. I never said that. I said that it's not necessary for somebody to, be obsessed with marriage, is what I said. अगर होता है एंड इफ इट्स डेस्टिनीज कॉल देन ग्रेट. अगर नहीं होता है देन इट्स ओके. दैट्स व्हाट आई फील. इट्स ओके नॉट टू गेट मैरिड. ओके अनुराग सैनी सिंह मैम यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी माशाल्लाह, शुक्रिया. एंड सेडनोर है ये भी कह रहे हैं मैम यू आर लुकिंग वेरी सेदानूर सेडनोर. आइकारिया नेम. ओके सो Sidanur is from Turkey. रानी इज आस्किंग वन थिंग यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट योरसेल्फ. Oh, one thing I like about myself is I am very grounded. And a lot of people don't appreciate that or they don't realize the value until they meet the snooty people, It's only when they meet the snooty people who throw attitude and show them their place, then they realize, okay, लोग अलग भी होते हैं. सो या सो आई एम वेरी ग्राउंडेड एंड व्हाट आई डिसलाइक अबाउट माई सेल्फ. आई थिंक आई डू समटाइम्स गेट अ लिटिल लेड बैक. आई नीड मोटिवेशन. सो आई ओके थिंक आई वुड से दैट Maybe, I don't know, but I believe in destiny, so something is ओके higher than everybody. That's what I believe. वन इंस्टा आईडी इज देयर परफेक्ट स्टाइल फॉर यू एंड ही सेइंग हेलो प्रीतिका प्लीज स्टे स्ट्रांग स्टे सेफ एंड इट्स अ टफ टाइम फॉर एवरीवन सो होप यू विल स्टे सेफ एट योर होम ऐसा. घर पे ही हूँ यार. मैंने होली भी सेलिब्रेट नहीं की. आई एम लाइक क्वारंटीन सिंस होली. लिटरली आई डिडंट गो आउट बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेड कि
इस बार होली पे गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए. सो आई रियली टुक इट वेरी सीरियसली. बाय द वे आई एम इन माय मॉम्स रूम राइट नाउ. आई एम नॉट इन ओके माय रूम बिकॉज़ द इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी गुड हियर. सो आई थॉट या आई विल शिफ्ट फॉर द लाइव अंटिल आई फिक्स ओके माइन. या सो अतिशेक पूछ रहे मैम आप डीएम क्यों नहीं चेक करते। यार मैं डीएम चेक करती हूँ लेकिन रोज नहीं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं. कभी कभी इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि मैं सारे मैसेजेस चेक करूं. राइट अल हुसैन इज सेइंग लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैदराबाद लव यू प्रीतिका। ओह हेलो. आई शॉट माय तेलुगु मूवी इन हैदराबाद. आई हैव स्टेड देयर फॉर 8 months. 8 महीने रह चुकी हूँ मैं. आई थिंक दैट्स प्रॉबेबली एक शहर जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा रही हूँ अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे. ओके शिवाय चौरसिया इज आस्किंग मैम योर नेटिव प्लेस। इट्स कारवार विच इज नेक्स्ट टू मैंगलोर एंड गोवा. एंड आई एक्चुअली डोंट रियली हैव अ नेटिव प्लेस एज सच बिकॉज आई एम 3 generations फ्रॉम मुंबई. सो मेरे सारे फैमिली माई ग्रैंड फादर सब मुंबई में सेटल हुए थे. सो तब से हम लोग मुंबई में ही है. सो नेटिव प्लेस सिर्फ नाम के लिए है. वहां पे कोई वैसा है नहीं. ओके यस्मिन नाज है एंड ये कह रही है प्लीज टेक माय नेम वंस इफ यू रिमेम्बर आपने मेरे डीएम का रिप्लाई भी किया था थैंक यू सो मच फॉर दैट। हाय यास्मीन नाज. थैंक यू फॉर द लवली मैसेज. सो आयान मिर्जा एक बार उनको रिप्लाई दीजिए। अयान मिर्जा का कोई सवाल था क्या? नहीं ये से बोल का नाम ले लीजिए। ओके अयान मिर्जा हेलो. लॉट्स ऑफ लव. आपका नेटवर्क. आपका नेटवर्क. ओके सो आई एम स्टिल वेटिंग या सो आई थिंक इट वाज अ हेलो. फॉल्ट फ्रॉम माय एंड नॉट फ्रॉम योर एंड सो अपोलॉजीज या फॉर दैट। आई फिगर्ड दैट आउट. सडनली यू आर लाइक गॉन. या सो रानिया वाज आस्किंग एनी हिडन टैलेंट ऑफ योर्स। हिडन का तो पता नहीं बट एवरीबडी नोज दैट आई सिंग. अ लॉट ऑफ देम नो दैट आई सिंग. हिडन टैलेंट. आई ड्राइव. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट बट आई ड्राइव. Started. I learned on a manual, and I mastered a manual, and then I started driving automatic. You can call that a talent. Or kya hai? Cooking. I know. I cook. A lot of people don't know that. ओके Or kya? I'm good with nail art, so my nails are always very good. And मैं लिखती अच्छा हूँ. जर्नलिस्ट थी. वो टैलेंट हिडन नहीं रहा है वो वो हिडन टैलेंट टैलेंट. हम देख सकते हैं। और क्या. कभी कभी शेरो शायरिया कर लेती हूँ. कभी कभी. ओके तो एक हो जाए अपने अरे फैंस के लिए। नहीं. अभी आप सडनली पूछेंगे तो आई रियली वुडंट रिमेम्बर. एनी बट विच यू इन द पास्ट कुछ माइंड में आ रहा हो विच यू वुड लाइक टू डेडिकेट टू योर फैंस। यार सचमुच नहीं. सचमुच नहीं. आई एम रियली आई एम सीरियस. नहीं अभी नहीं. अब ओके देखते हैं. नेक्स्ट टाइम जब लाइव करेंगे तब मे बी आई विल गेट दैट डायरी एंड आई विल रीड इट आउट. श्योर श्योर सो मोहित इज आस्किंग इफ यू हैड टू स्प्रेड एनी ह्यूमर अबाउट योरसेल्फ व्हाट विल दैट बी। दैट आई एम मैरिड एंड आई एम क्विटिंग द इंडस्ट्री. And I'm waiting to do that. I'm waiting to quit the industry, not to get married, but I'm waiting to quit the industry. I mean, such moods. If you really Oh my ask God. me, I am. Yeah.
हरप्रीत इज आस्किंग योर चाइल्डहुड क्रश. माई चाइल्डहुड क्रश, आई थिंक व्हेन आई वाज लाइक 11 और समथिंग, आई हैड अ क्रश ऑन सोनू निगम बिकॉज आई हर्ड हिज वॉइस एंड आई वाज मेसमराइज्ड विद हिज वॉइस एंड आई यूज टू सी हिज म्यूजिक वीडियोज, यू नो, कुछ दीवाना टाइप का कुछ उनका म्यूजिक वीडियो आता था एंड यस आई वाज लाइक आई वाज मच यंगर, आई वाज रियली अ किड व्हेन आई सॉ दैट, सो या आई हैड अ क्रश ऑन हिम एंड देन आई हैव हैड different crushes on different actors. Yeah, ओके I mean, when I was growing up, yeah. इट्स शुभम इज आस्किंग मैम प्लीज रिप्लाई विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर यू हैव प्लेड टिल डेट. I think Alia in Bentha, ओके but I couldn't give my 100% to it because there was no time. You know, we were running after, we were running against time. So every time it was like, ma'am, हम कल का टेलीकास्ट शूट कर रहे हैं, हम कल का टेलीकास्ट शूट कर रहे हैं. तो इट वाज लाइक, ओ शिट, यू नो, 5 घंटे सोना और 17-18 घंटे काम करना. इट वाज क्रेजी. आई मीन, आई व्हेन व्हेन बेंतहा गॉट ओवर, आई थिंक आई वाज द हैप्पीएस्ट बिकॉज आई वाज लाइक, हा फाइनली, बिकॉज इतना काम मैंने कभी नहीं किया था. यू नो, आई वाज अ मॉडल, 50 एड्स कर चुकी थी, साउथ में फिल्में कर चुकी थी एंड फिल्म के स्केड्यूल यू नो अलग होते हैं. दे आर जस्ट लाइक, यू वर्क फॉर 10 डेज, देन यू हैव अ हॉलीडे, देन यू वर्क फॉर अनदर 10 डेज एंड यू गेट वे मोर मनी देन वॉट अ न्यू कमर गेट्स इन अ टेलीविजन शो. सो या सो मॉडलिंग आई किल्ड इट. लाइक आई कुड इवन बाय माई ओन हाउस, यू नो, व्हेन आई बिकेम अ मॉडल. इट वॉज लाइक आई रियली किल्ड इट. या या बट फैंस वर अनहैप्पी जब बेइंतहा खत्म हुआ था. यू वर टेलिंग दैट यू वर द हैप्पीएस्ट पर्सन बट फैंस का भी. फैंस ऑफ कोर्स नाराज होंगे, आई एम श्योर, बिकॉज यू नो द मोर दे वॉन्ट टू सी मोर ऑफ यू, अगर वो आपको पसंद करते हैं तो. लेकिन बैंड तो बचती है एक्टर्स की, बट आई डोंट ब्लेम इट बिकॉज आई थिंक मैं बहुत लकी रही हूँ क्योंकि बेइंतहा जो शो है वो वापस सलामे इश्क नाम से, यू नो, कलर्स रिश्ते पे आया 2 बार इनफैक्ट. फिर उसके बाद इतने सारे कंट्रीज में डब होके रिलीज हुआ, टंजानिया, यू नो, ईस्ट अफ्रीका, टर्की, एज ऑल यू नो है, सो मेनी टर्की टर्किश फैंस हियर, और इंडोनेशिया. सो गॉड हैज बीन काइंड, मुझे बैठे बैठे इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी मिल गई जिसके लिए मुझे बॉलीवुड की फिल्म नहीं करनी पड़ी. और मैंने जानबूझ के बॉलीवुड फिल्में कभी नहीं की बिकॉज आई डिडंट वांट टू लिव द लाइफ ऑफ अ बॉलीवुड एक्टर. आई डिडंट वांट टू, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड. ओके आई हैड द फर्स्ट हैंड, यू कैन से, इनसाइट इनटू बॉलीवुड बिकॉज ऑफ माय सिस्टर. ओके सो या आई डिडंट वांट टू लिव देयर लाइफ. थोड़ी बहुत फिल्म जर्नलिज्म की मैंने जब मैं साउथ फिल्म्स कर रही थी, आई वाज राइटिंग फॉर बैंगलोर मिरर. या दैट्स अबाउट इट. आई हैव हैड अ वेरी गुड करियर एज सच, यू नो, लाइक इफ समबडी टेल्स मी क्विट नाउ, आई वुड क्विट. आई सीरियसली वुड क्विट. आई सीरियसली डोंट माइंड गेटिंग इन टू सम अदर प्रोफेशन, बट मे बी इन अ ईयर और सो. या But we would love to see you back on TV and or somewhere in the थैंक यू एंड आई एम थैंकिंग माई स्टार्स के इस वक्त मेरा कोई डेली सोप नहीं चल रहा है, यू नो, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस. यू कैन इमेजिन द स्केयर, अगर मुझे सेट पे जाके शूट करना पड़ता इन द नेक्स्ट 1 month, आई वुड हैव बीन द मोस्ट अनहैप्पी पर्सन ऑन अर्थ. बिकॉज एक सेट पे जो धूल होता है, जो इतने सारे लोग आते हैं, 100-200 लोग, टेक्नीशियंस वर्किंग एवरीवेयर, पीपल स्नीजिंग, कॉफिंग, यू नो, ओ माई गॉड, इट्स टेरेबल. सो यू कैन इमेजिन, आई यू नो, पीपल यू ट्रेवल बाई ट्रेन एंड यू नो दे टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट इज स्केरी राइट नाउ, सो स्केरी राइट नाउ. सो या सो या आई थिंक 1 to 2 months तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शटडाउन ही रहेगा. आई डोंट नो एंड आई डोंट नो वट टीवी इज गोइंग टू डू. मैं वही सोच रही थी क्योंकि मार्च में हम लोग बेइंतहा के सबसे ज्यादा रोमांटिक सीन्स, यू नो, मार्च और अप्रैल में शूट कर रहे थे. तो मैं वही सोचा करती हूँ कि वॉट इफ कोरोना हैड हिट दैट टाइम, यू नो, हम तो पागल ही हो जाते. एंड ऑफकोर्स उस वक्त इंस्टाग्राम नहीं था, इतना पॉपुलर नहीं था जब मैं बेइंतहा कर रही थी. अगर होता तो इट वुड हैव बीन अनदर स्टोरी बिकॉज आई वुड हैव बीन मच मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम.
तभी मैं ट्विटर पे ज्यादा हम्म, एक्टिव थी, और इंस्टाग्राम के आईडीज किसी के पास थे नहीं. आई मीन ज्यादातर लोग इंस्टा पे थे ही नहीं उस वक्त. सो या या ओके, सो पीपल आर रिक्वेस्टिंग, कैन यू प्लीज विजिट टू इस्तांबुल? गाइज, आई रियली वॉन्टेड टू विजिट इस्तानबुल, बट कोरोना हिट. ट्रस्ट मी, आई वॉज गोइंग टू रियली, आई वुड हैव विजिटेड इन 2020. इट वॉज वन ऑफ माई ड्रीम्स, यू नो. इट वॉज हाई टाइम, क्योंकि इतने सारे फैंस, एंड 2 साल, ऑलमोस्ट 1.5 years, आई लॉस्ट आउट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ एंड दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट आई हैड गॉट ड्यू टू यू नो वॉटर, द एच पायलोरी बैक्टीरिया. इट वॉज पथेटिक. आई कुडंट really work, go out, eat normal food, you know. I was restricted, so काफी सारे मेरे medications और endoscopies और सब हुए, and I didn't of course give it out in news because you know I myself didn't know how long I'm going to be ill, so मैंने वो news में दिया नहीं. लेकिन it was a bad phase anyways, but now that I am fit and healthy, yeah, let's see. Yeah. So Dipankar is asking, who will be that first person you will meet after this lockdown gets over? Do you really want me to tell you? Okay, I have a lot of close friends and I'm waiting and dying to meet them. But फिलहाल ऐसे काम चला लेते हैं जैसे ऐसे हम बात कर रहे हैं. Yeah. So people are asking, why do you want to quit the industry and what are you planning? So that's my dinner for today. My veg momos have come in. ओके मैम प्लीज, अगर हो सके तो भेज दीजिए, नहीं तो दिखाएंगे तो हमें भी भूख आई लगेगी। क्या बात है. दैट्स गुड डिशेस राइट नाउ। वन सेकेंड प्लीज. या इफ यू नहीं वांट अ स्नैपशॉट आई विल पोस्ट फॉर यू. आई मीन माय फैंस, आई कैन डू दैट फॉर माय इंडोनेशियन बोल, काफी फैन. अच्छे दिख रहे हैं, अब खाके आप बता दीजिए कैसे हैं। आई एम श्योर इट्स रियली हॉट. आई डोंट नो, अभी अभी बने हैं, धीरे धीरे. या बट इट इज इट्स राइस, राइस से बने हैं. विशाल, आई एम सो सॉरी, आई विश आई कुड गिव यू. दिस इज क्रिमिनल टू नो, डू, जो ईट इन फ्रंट ऑफ पीपल इज क्रिमिनल. आई डोंट नो इट्स नॉर्मली लाइक टू यू डू कैन इट. कंटिन्यू एंड मीनवाइल आई विल आस्क द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। या श्योर. समथिंग दैट इरिटेट्स यू द मोस्ट? Something that irritates me the most, people wasting water. I hate it. And मैं ओके एक सिंपल चीज सबके सामने बताना चाहूंगी कि प्लीज यार सेव वाटर. वाटर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग ग्लोबल क्राइसिस एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक. पीपल जस्ट ओपन द टैप माइंडलेसली विदाउट थिंकिंग के वो पानी वेस्ट कर रहे हैं, यू नो. तो और मैंने इतने सारे जगहों पर देखा है, रेस्टोरेंट, स्कूल्स, यू नो, एवरीवेयर पीपल वॉशिंग द वेसल्स, योर यूटेंसिल्स एट होम. दे जस्ट वेस्ट सो मच वाटर. मैंने एज अ पर्सनल स्टेप, मैंने अपनी तरफ से मेरे घर के सारे टैप्स को सेट कर दिया है मिनिमम फ्लो पे. तो आप कितना भी उसको फुल फुल ऑन खोले, यू नो, इफ माई डोमेस्टिक एड्स कम एंड ओपन द टैप फुल फुल ऑन फुल थ्रॉटल, द वॉटर फ्लो विल बी लेस बिकॉज आई फिक्स्ड इट. मैंने फिक्स करके रखा है कि इतना ही पानी आएगा. आप चाहे कितना भी फुल टैप खोलो, और इससे काफी पानी बचता है. इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप वी ऑल हैव टू टेक. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर वॉशिंग योर हैंड्स, व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग कोरोना वायरस, प्लीज सेव वॉटर बिकॉज वॉटर इज प्रेशियस. इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट ह्यूज ग्लोबल क्राइसिस. आई एम टेलिंग यू, इट्स लाइक इन एडवांस. राइट राइट राइटली सेड। प्रिया आहूजा इज आस्किंग, आर यू स्टिल इन टच विद हर्षित अरोड़ा एंड प्लीज एनी शेयर एनी मेमोरी विद हिम? सो आई एम नॉट इन टच विथ हर्षद. आई वॉज नेवर, वी वर नेवर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एज सच. वी वर वेरी गुड वर्किंग कोलीग्स एंड वी एंजॉयड वर्किंग टूगेदर, बट वी वर नेवर लाइक, वी नेवर बॉन्डेड एज फ्रेंड्स. एंड ही स्टेज लिटिल फार अवे फ्रॉम माई हाउस, मे बी एन आवर्स ड्राइव, सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू मीट और कैच अप. सो नहीं, ज्यादा मिलना होता नहीं है.
एंड आई थिंक यू नो इट्स लाइक ऑफिस कलीग्स, जब आप साथ में होते हो तो हर दिन मिलते हो, यू नो इट्स लाइक यू ऑल शेयर योर टिफिन एंड यू यू गाइज आर इन टच. बट द मिनट यू यू शिफ्ट एंड यू यू नो यू लीव योर कंपनी, कितना ईजी होता है यू नो आपके कोलीग्स के साथ यू नो कॉन्टैक्ट रखना हर दिन. तो हमारे साथ एक्टर्स के साथ भी वही होता है, कॉन्टैक्ट लूज हो जाता है इवेंचुअली. ओके सो फजी शेक है एंड ये थोड़ा गुस्सा हो रहा है, ये कह रहा है आई एम हर्ट यू आर नॉट रिप्लाइंग टू माय क्वेश्चंस फजी शेक। फजी फेजी वॉट एवर योर नेम इज, आई एम सो सॉरी. मैं यहाँ मैसेज पढ़ूँ या यहाँ दिखकर बात करूँ, मैं दोनों एक साथ नहीं कर सकती. सो या तो वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे और मैं जवाब दूंगी, ठीक है. ओके मोमेंट्स व्हिच मूवी बेटर. टाइटल बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, विच व्हाट मूवी Which टाइटल? title best describes you? ओ माय गॉड, मे बी लम्हे आई थिंक, बिकॉज लाइफ इज ओके ऑल अबाउट लम्हे, है ना. ओके जिंदगी लम्हों के बारे में है, इट्स ऑल अबाउट मोमेंट्स एंड लम्हे मीन्स मोमेंट. सो या ग्रेट थैंक नाइस यू. टाइम्स टू डू बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी इन कमिंग टाइम। आई विल नेवर डू दैट ओके बिकॉज बींग अ कलर्स गर्ल आई वॉज ऑलवेज ऑफर ऑल दीज रियलिटी शोज, खतरों, बिग बॉस, झलक, इवन नच बलिए फॉर दैट मैटर. बट मुझे कभी भी मैंने आई डिडंट गो फॉर इट बिकॉज समहाउ आई डोंट फील कंफर्टेबल इन द यू नो दैट जोन. आई फील मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, वापस घर पे आना है, अपनी जिंदगी की नुमाइश वहां पे नहीं करनी है. आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन एंड ओके या दैट्स इट. या ओके सो एनी फिटनेस एंड फिटनेस टिप्स फॉर फैंस ड्यूरिंग क्वारंटीन? यस ऑफ कोर्स. सो आई रियली बिलीव इन योगा एंड इट्स द मोस्ट एंशंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट यू नो द इंडियन वैदिक पीपल डिस्कवर्ड. एंड आप लोग उसे कहीं भी कर सकते हो, यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस एंड अ मैट. एंड एस्पेशली सूर्य नमस्कार जो है, इट्स सपोज टू एक्सरसाइज एवरी मसल इन योर बॉडी. ट्रस्ट मी, इट्स द वन एक्सरसाइज दैट एक्सरसाइजेज एवरी सिंगल मसल इन योर बॉडी. सो ओके इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, देर आर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स. यू जस्ट हैव टू गूगल सूर्य नमस्कार एंड यू विल सी इट ऑन इन योगा. एंड या आई एम टेकिंग ऑनलाइन योगा क्लासेस ऑल्सो फ्रॉम माई फ्रेंड, माई योगा फ्रेंड हु इज माई योगा टीचर. एंड यू कैन ऑल्सो डू स्पॉट जॉगिंग, लाइक इफ यू रियली कॉन्ट गो बाहर जाकर यू नो आप वॉक नहीं ले सकते, तो आप घर पे अपना जो वॉकिंग शूज है, रनिंग शूज है, वो पहन के आप स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं. यू कैन डू इट विद अ काउंट ऑफ से 10, यू नो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप. अगर आप ये 100 काउंट्स करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा और आप यू नो यू विल बी रियली फिट एंड यू डोंट हैव टू रियली गो टू द जिम ड्यूरिंग दिस टाइम. या जो आलसी नहीं है वो ये कर सकता है। तो इफ यू आर नॉट आलसी देन यू कैन ट्राई दीज टिप्स एट होम एंड दैट इज वेरी कावेरी इज वेरी सही टिप। बिकॉज काफी आसान होके भी लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, काफी लोग आलसी होते हैं. यस एनी ब्यूटी टिप्स? ब्यूटी टिप्स, माय बिगेस्ट ब्यूटी टिप इज दैट डोंट गेट फूल्ड बाय सलॉन्स. जो आपके सलॉन होते हैं, जो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं एंड सबसे ज्यादा चीट करते हैं. सो कभी भी आपके ब्यूटी सैलॉन्स के ब्यूटिशंस का एडवाइस मत लेना. वो जो स्टीम लेकर क्लीन अप और वो सब नॉनसेंस होता है, ब्लीचिंग एंड वो सब, वो मत करना. मैं कभी और इस पर यू नो ज्यादा फोकस करूंगी, बट नॉट इन दिस लाइफ. ओके इट्स शुभ इज आस्किंग
What was your pseudonym given by friends during school and college time? I had many actually. One friend used to call me Pritis. He used to call me Pritis, and others used to call me, I think Pri, yeah. Even my fans used to call me Pri. So we all know you are a great singer as well. So I have one small fun segment for you. Okay. So yeah. So I think last time भी हमने ऐसा ही कुछ किया था आपके साथ. So this time I have two, three new songs and I have translated those into English. Okay. These are Bollywood songs, and you have to guess it right and you have to sing for us. Okay. That Okay. sounds fun. Yeah. So the first one is, the swing of winds are upset with the atmosphere today. हवा के झोंके आज मौसम मुझसे रूठ गए, राइट क्या राइट, बात वो एक है? आगे बता रही. ओके. हवा के झोंके आज मौसम से रूठ गए, गुलों के शौके आज भंवरे सारे लूट गए, बदल रही है आज धड़कनों की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं. वो ग्रेट मैम, ग्रेट. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज, सिस्टर योर ब्रदर इन लॉ इज मैडमैन, हे लॉर्ड थ्रो ग्रेन्स टू गर्ल्स. दीदी तेरा देवर दीवाना, किसने ट्रांसलेट किया? आपने क्या? आपने बहुत फनी ट्रांसलेट किया है. हाँ मतलब ये सॉन्ग ऐसे ही होगा ना, दीदी तेरा देवर इज लाइक सिस्टर योर ब्रदर इन लॉ इज मैडमैन इज He's lost दीवाना. it. दीवाना, मैडमैन इज नॉट दीवाना. मैम ऑप्शन दीवाना पढ़ता है उसकी इंग्लिश दीवाना ऐसी होती है. इज एक्चुअली लव लुआन. जो ओके, मैं ऑप्शन से गाना गा पढ़ता रही हूँ. है इंग्लिश ऐसी होती दीदी है. तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना. ओहो ग्रेट मैम ग्रेट. नेक्स्ट वन, समटाइम्स हैप्पीनेस समटाइम्स सैडनेस, वी शॉल नॉट सेपरेट समटाइम्स हैप्पीनेस समटाइम्स सैडनेस. ओ माय गॉड. ओके ट्रांसलेट इन टू हिंदी, समटाइम्स ओके ओके हैप्पीनेस. ओके ओके ओके. कभी खुशी कभी गम. राइट राइट. मुझे तो गाना पड़ेगा. यस, बिकॉज फैंस की रिक्वेस्ट थी कि कैसे तो गलवाएंगे मैम को. अच्छा. आई ओके. ना ना तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम. सो मेरे पीपल आर आस्किंग, हाथों में समाया. डू यू नो एनी सॉन्ग इन टर्की, टर्किश लैंग्वेज? सीरियसली, आई डोंट नो टर्किश, सो आई कांट सिंग टर्किश सॉन्ग्स. ओके, बिकॉज पीपल आर रिक्वेस्टिंग. एनी सॉन्ग यू वुड लाइक टू डेडिकेट टू योर फैंस राइट नाउ? या तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना यस गाओ. मैम, ऐसे तो मैम ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट सेइंग अ डायलॉग. तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, हाँ अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं आना, इतना बता दो तुझको, चाहत पे अपने मुझको, यूं था नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अच्छा लगा है मिलने, पूछो तुम्हें एक बार, हो तू ही
को बता दे चाहूं मैं आना। वो सच अ लवली वॉइस यू हैव मैम। आई होप थैंक यू सारी सो और मच। घर जरूर तालियां बजा रही होंगी। आई हाय सो क्या बात है, शुक्रिया। या गाइस आस्किंग मैम व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आई मेजर्ड इन हिस्ट्री। आई डिड माई बी ए मेजरिंग इन हिस्ट्री एंड दैट्स वाई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। एंड हमारे जो रूट्स है मोहनजोदारो हड़प्पा, मैं उसके बारे में पढ़ रही थी कुछ दिनों पहले। एंड जो सारे हिंदुस्तानी बैठे हैं दे शुड नो दिस फॉर द फैक्ट दैट हमारे रूट्स को कभी मत भूलेगा। जो हरप्पन कल्चर है, जो वैदिक कल्चर है, वो हमारे एंसेस्टर्स थे। चाहे अभी आप किसी भी धर्म के हो, आपके पूर्वज 8,000 साल पहले सारे वैदिक ही थे। एंड ये मैं जरूर कहना चाहूंगी आपके लाइव के माध्यम से कि रिलीजन बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है लोगों को अलग करने के लिए। इट्स डिवाइडिंग पीपल अनफॉर्चुनेटली। लेकिन सच तो ये है कि 8-10 हज़ार साल पहले रिलीजन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और आज जो हिंदू धर्म में जो सारी चीजें आती है, जो सारा वैदिक कल्चर आता है, अनफॉर्चुनेटली यार उसे हिंदू धर्म के रिलीजन में लेबल किया गया है। बट उतने साल पहले, 1,000ों साल पहले, 8,000 साल पहले हिंदू नाम का कोई चीज ही नहीं था मौजूद। एंड ना कोई राम हिंदू थे, ना कोई कृष्ण हिंदू थे। वो देवर ऑल बॉर्न इन दिस लैंड दैट यू एंड आई आर बॉर्न, दैट आर एंसेस्टर्स बिलोंग टू। एंड हम सब हिंदुस्तानी है पहले। वी आर पीपल बॉर्न इन दिस लैंड। सो मजहब को अपने आप को बांटने ना दे। आप चाहे कोई भी कल्चर या कोई भी रिलीजन या स्टाइल ऑफ प्रेइंग आप आज के जमाने में फॉलो कर रहे हो, या फिर आपके जनरेशंस 500-600 ईयर्स से फॉलो कर रहे हो, ये मत भूलिए कि आपके रूट्स क्या है। योर आर कल्चर, लाइक हिंदुइज्म वाज नथिंग बट द कल्चर ऑफ दिस लैंड। इट्स एंड इट्स स्टिल अ कल्चर ऑफ दिस लैंड। इट्स अ सिविलाइजेशन, इट्स नॉट अ रिलीजन। सो डोंट फॉरगेट या दैट। राइट राइट। सो ऑफिशियल जित्सा भट्टी हैं इनको एक बार प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। सॉरी क्या रिप्लाई करना है उन्हें? जस्ट रिप्लाई वंस ही सिंग मैम आपको देख लिया तो दिल को सुकून मिल गया, एक बार रिप्लाई कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। ऑफिशियल थैंक जित्सा यू। उनका नाम मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दिया है। ऑफिशियल जित्सा का नाम है, ऑफिशियल जित्सा भाटी। जिनसा भाटी। ओके हाय Yes. जिनसा, अगर Yeah. कोई So, सवाल हो तो आप लिख सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन है। आई विश कि ये रियलिटी ना हो। इफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड एंड यू ऑलरेडी नो इट, थ्री थिंग्स यू वुड लाइक टू डू बिफोर दैट। ओह माय गॉड, लॉट ऑफ चैरिटी, ओके मे बी स्पीक टू एवरीवन दैट आई नो एंड विश देम गुड, से माय सॉरीज मे बी इफ आई हैव टू, एंड या एंड द कार्मिक टाइज। एंड ओके ओके व्हाट एल्स, प्रे प्रे अ लॉट। या दैट्स ऑल। सो सुन रहे हैं इज आस्किंग एनी वन क्वालिटी दैट यू वुड लाइक टू टेक फ्रॉम योर सिस्टर अमृतम। That I would like to take from her. एनी क्वालिटी व्हिच यू वांट। Maybe acting. I think she's a brilliant actor. Maybe that. ओके एक्टिंग। सो लास्ट वन आई विल टेक, इफ यू हैव एंटायर वर्ल्ड्स अटेंशन टुवर्ड्स यू फॉर 30 सेकेंड्स, सो व्हाट विल यू से टू द वर्ल्ड? I will say that please believe in humanity and respect humanity and not religion. First see human beings as human beings and then the religion, because today we see people first as religion and not as human, and that is screwing up the world big time, I think. So yeah, that's my biggest Okay. message. Yash Jain is asking, would you rather prefer unlimited data or unlimited food during quarantine? ये क्या सवाल है यार?
Oh my God. Okay, I would, without unlimited food, I can't survive. If I don't have food, then unlimited data ka use nahi hai. So probably unlimited food. I don't need data. I'll do with something else. ओके आटा चलेगा, डेटा नहीं चलेगा. आटा चलेगा, डेटा नहीं चलेगा. That's nice. या यस यस इज आल्सो आस्किंग, क्या आप किसी एनजीओ बेस्ड रिलेटेड वर्क करते हैं क्या? मैंने जब मेरे करियर की शुरुआत की थी, तो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर एन एनजीओ एंड दे वुड डू इवेंट्स एंड कलेक्ट फंड्स, रेज फंड्स ओके फॉर दिस डून स्कूल, देहरादून में जो डून स्कूल है या डून स्कूल है, फॉर द डेफ एंड डम्ब चिल्ड्रेन वी वुड रेज फंड्स. सो या एंड एनजीओ, मैं एक एनजीओ से कनेक्टेड हूँ. दे आर इन टू मेकिंग टिफिन एंड प्रोवाइडिंग टिफिन टू ओल्ड पीपल ओके हु हैव नोबडी एंड हु आर जस्ट ओल्ड एंड इन देयर होम्स एंड दे कांट डू एनी वर्क और कुकिंग. सो श्रवण टिफिन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है. इट्स अ वेरी नाइस ऑर्गेनाइजेशन, श्रवण टिफिन. आई थिंक इट्स इन गोरेगांव और समवेयर लाइक दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और सॉरी सॉरी, इट्स इन मीरा रोड. सॉरी, मीरा रोड में ओके है एंड बहुत अच्छा काम करते हैं. सो इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू डोनेट, दे कैन ऑलवेज डोनेट देयर. ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट टू नो दैट. अर्जुन इज सेइंग मैम यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस. थैंक यू सो मच. अर्शद खान कह रहे हैं एक बार मैम प्लीज रिप्लाई कर दीजिए मुझे, हाय. अशर खान, थैंक यू. हाय. ओके सो बिफोर लाइक देर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस कमिंग अप, व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस ऑन फेसबुक? वहाब इज आस्किंग माय रिलेशनशिप स्टेटस ऑन फेसबुक वाज ऑलवेज फेसबुक. सिंगल. इट विल ऑलवेज बी ओके सिंगल. ओ माय गॉड. इवन इफ इट्स नॉट, इट विल स्टिल बी सिंगल. ओके सो लॉट्स ऑफ पीपल आर जस्ट सेइंग हाय एंड हेलो, सो आई थिंक या व्हाई आर यू सो स्वीट एंड ब्यूटीफुल, अगेन समबडी इज आस्किंग. ओ माय गॉड, थैंक यू, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज योर फेवरेट कंट्री? I've been to America. I've been to London. I think country pata nahi, but I really liked London. London city was really amazing. Yeah. So ओके yeah. somebody is asking what was your age when you were shooting for Bentham? Yes. वो मैं पैदा हुई थी. That time I was shooting for Bentham. ओके एनी थ्री क्वालिटीज यू वुड लाइक टू हैव इन योर ड्रीम बॉय? ड्रीम गाय, एनी थ्री क्वालिटीज विच यू वुड लाइक टू हैव इन योर ड्रीम बॉय? ड्रीम बॉय. आई लाइक द वे यू से ड्रीम बॉय. ही जस्ट हैज टू बी ऑनेस्ट एंड ही जस्ट हैज टू बी नॉन फ्रिवलिस अबाउट रिलेशनशिप, बिकॉज आई एम नॉट द फ्रिवलिस काइंड्स. And I think one has to be very honest about their intentions with the other person, because otherwise the other person will lose faith in love and relationships. Yeah. या निशा सिंह इज सेइंग प्लीज रिप्लाई मी वंस, Hello, Nisha. Hi. पीपल आर कॉलिंग यू टू नेपाल एंड मैनी अदर कंट्रीज. आई सॉ हैदराबाद दे आर कॉलिंग यू नेपाल, एंड सो व्हेन यू आर प्लानिंग टू विजिट नेपाल एंड हैदराबाद? हैदराबाद तो मैं गई हूँ. नेपाल तो ओके यहीं पे है मेरे चेहरे पे. नेपाल मैं गई नहीं हूँ बेसिकली. ओके इफ नॉट एन एक्टर व्हाट वुड यू हैव बीन इफ नॉट एन एक्टर? आई थिंक आई वुड हैव वर्क्ड इन एन एनजीओ. आई वुड हैव, या. That's what I ओके started my career with, working in an NGO. टेल अस अबाउट योर बॉन्ड विद आरजे अनमोल, व्हाई प्रीतिका इज आस्किंग. वैसा ही है जैसे जीजा जीजा जी और साली का होता है.
Okay. It's pretty good. He's a very lively person, very jovial. He has a very good sense of humor. And of course, being an RJ, he speaks very well. He has a very good personality. So, yeah, so he's always entertaining. Okay. Cyrus Abir, she wants you to visit Pakistan also. यार पाकिस्तान को मैं मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे. जैसे मैंने मॉडलिंग की थी पाकिस्तान के लिए. आई हैड मॉडल्ड फॉर पैंटीन शैम्पू फॉर पाकिस्तान. बट वो काफ़ी आई वॉज लाइक अ टीनेजर जब मैंने वो किया था. आई वॉज थाईलैंड में शूट हुआ था बाय द वे. एंड या इट वॉज फन. आई एम स्टिल इन टच विद द पाकिस्तानी मॉडल. ओके एंड सो आसिम रजा जी ने डायरेक्ट किया था. आसिम रजा अभी बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए हैं पाकिस्तान में. सारे बड़े बड़े फिल्में माहिरा खान के साथ डायरेक्ट कर रहे हैं. बट उसी उन्हीं आसिम रजा जी के साथ मैंने काम किया था. ये है डायरेक्टेड माय एड फिल्म. ग्रेट टू नो दैट मैम. आई एम अनुव कह रहे हैं मैम, एक बार आप प्लीज अपने सब फैंस को वेव कर देंगे क्या? चीनू इज आस्किंग मैम आप क्या खा रहे हैं? मैं आटा का मोमो खा रही हूँ. विच इज डम्पलिंग्स, वेज डम्पलिंग्स. आई एम अ वेजिटेरियन. आई गेव अप नॉन वेजिटेरियन फूड. ओके सो वो अगेन पीपल आर मोमेंट आस्किंग वुड होगा. मैम वॉइस. कैन यू हियर मी? या आई हेलो. कैन हियर यू. या हेलो, यू कैन हियर मी राइट? डरा दे तुम यार तुम. देव चौधरी सिंह मैम मुझे भी खाना है, प्लीज शेयर करिए. यार I'm so sorry. आप घर पे बना के खा सकते हो. विशाल उप्पल मैम, कभी आपने लाइफ में क्लास बंक किया था स्कूल में? Never. ओके I was this front bencher student in my college, and I hated my school. My school was horrible. We all are back benchers. That's why we are good in making memes and everything. My college was more fun. The teachers were more chilled out. स्कूल में ओके पता नहीं क्या मतलब सरफिरे टीचर्स थे हमारे. एंड वी हैड लाइक इफ आई वाज 11 माय टीचर वाज लाइक 50 इयर्स ओल्ड. नो सो द जनरेशन गैप वाज अ लॉट. एंड दे डिडंट नो हाउ टू डील विथ चिल्ड्रन. ओके सो दे वुड लाइक शाउट एंड स्क्रीम एंड यू नो बिहेव वेरी बैडली विथ एवरीबडी. एंड आई हैड वर्स्ट स्कूल लाइफ एवर. स्कूल पुनीत के कुछ अनेजे, नहीं. या पुनीत अनेजे इज आस्किंग व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग यू हैव इन योर लाइफ डू यू थिंक? माय फैमिली ओके ओके मैम, क्या आप स्कूल में भी मॉडलिंग करते थे? आई स्टार्टेड मॉडलिंग व्हेन आई वाज 14. सो ये टेक्निकली यस. मैंने ओके पहले पहले सिर्फ हैंड मॉडलिंग से स्टार्ट किया था. आई टू यू नो पिक अप अ लक्स सोप और पोर यू नो ऑयल. सो आई स्टार्टेड विद हैंड मॉडलिंग एंड देन लेटर ऑन बिकॉज दे यूज टू ऑल्सो पे वेरी वेल. So it was great pocket money in school, but later on when they started calling me for hand modeling, it was very irritating. I was like, नहीं मुझे नहीं आना है, सिर्फ हाथ दिखाने के लिए मैं नहीं आ सकती. या एनीवेज अली हुसैन इज आस्किंग मैम, अंताक्षरी में कौन विनर था, आप या रैपर मैडी? हमने ऐसे गेम खेला था. हम गाना गा रहे थे बेसिकली. कोई जीता नहीं था. इट वॉज नॉट अबाउट विनिंग. इट वॉज जस्ट अबाउट हैविंग फन. ओके आई एम ग्लैड यू वर देयर एंड आई एम ग्लैड यू हर्ड इट. या और एंड में सो रैपर मैडी गुल हो गए. एंड में कनेक्शन प्रॉब्लम था उनको. शाह हेमंत इज आस्किंग व्हाट इज योर फेवरेट फूड? व्हाट्स माय फेवरेट फूड? थाई करी एंड राइस इज माय फेवरेट फूड. बिकॉज ओके इट हैज दैट मैंगलोरियन टच. यू नो हमारे इसमें वी आर अलॉट इन टू करीज. गोवन गोवन काइंड ऑफ फूड बट ऑफकोर्स वेजिटेरियन. ओके सोनम इज आस्किंग हैव यू टेकन द साड़ी चैलेंज ऑन सोशल मीडिया? नो आई वुडन्ट वांट टू डू दैट. डू यू फील एनी चैलेंजिंग इन दैट? दिस इज आई एम आस्किंग लाइक इन सारी वेरी लड़की फन.
पोस्ट डाल रहे हैं, बट डू यू थिंक देर इज एनी चैलेंज इन दैट? नहीं, आई मीन आई डोंट इवन नो अबाउट द सारी चैलेंज, आई एम सॉरी, बट सारीज मैंने काफी सारी एड्स किए थे एज अ मॉडल चेन्नई में. हर ब्रांड यू नेम इट आई हैड डन इट, लाइक RMKV, पथी, नल्ली सिल्क, पोथीज, ओ माई गॉड, चेन्नई शॉपिंग मॉल, ओ माई गॉड, वॉट नॉट, आई डन एवरी ब्रांड यू नेम इट आई हैड डन इट, एंड ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ कैटलॉग्स, सारी कैटलॉग्स. मैं उस वक्त सारी एक्सपर्ट बन गई थी, बट नाउ आई हैव लॉस्ट टच बिकॉज आई डोंट डू दैट मच सारी शूट्स एनी मोर. ओके, शैली इज आस्किंग वेयर इज अमृता मैम? At her home because she's married now. She doesn't stay with me. I don't stay with her. या सो अगेन पीपल लाइक व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी नाउ डेज ड्यूरिंग क्वारंटीन? आयसन इज आस्किंग. बताओ मुझे, मैंने क्या बोला था? कुकिंग चल रहा है मैम एंड यू आर हेल्पिंग योर मॉम, मेरे को याद है. डू यू What नो do हाउ you टू स्पीक mean? नेपाली? Somebody asked me this question, what do I like cooking? I like making biryani, veg biryani. ओके, बट मैम दैट इज पुलाव एक्चुअली. With soya chunks, with marinated soya chunks, ओके, or with tofu. because if you'll ask the non-veg people, they will say you are actually preparing a pulao. There is no term called veg biryani. I will say I am a conscious eater. Okay. I know so what I I think mean. so I think lots of people are just saying hi and hello. So ma'am, I would like to conclude this. Any last message for your fans, audience? Remaining 7 days bache hain and व्हाट डू यू फील, लॉकडाउन बढ़ने वाला है कि नहीं? कॉमन सेंस है, लॉकडाउन डेफिनेटली थोड़ा एटलीस्ट सम सिटीज के लिए बढ़ जाएगा, इफ नॉट फॉर द एंटायर कंट्री. उसमें महाराष्ट्र का लिस्ट टॉपिंग में है, और दिल्ली यस, अभी तो सो इट्स वेरी रिस्की. वन ऑफ माई फ्रेंड्स एक्चुअली उनको उस ड्यूटी पे भेजा गया है. शी इज अ डॉक्टर, शी हैज बीन सेंट ऑन द कोविड ड्यूटी. सो आई एम अ लिटिल स्केर्ड फॉर हर, एंड हैट्स ऑफ टू दीज डॉक्टर्स मैन, सीरियसली. एंड ऑफकोर्स गवर्नमेंट एंड इज गिविंग देम लॉजिंग इन गुड होटेल्स लाइक रेडिसन, यहाँ पे ताज में, दे गिविंग देम, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल इन दिल्ली. सो इट्स सैड, आई मीन इट्स स्केरी, बिकॉज मैं आज ही न्यूज में देख रही थी कि अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड अटेंडेंट्स आई हैव गॉट COVID-19 इन जस्ट लोक. आई थिंक आई वॉज हियरिंग दैट न्यूज, एंड इट वॉज सैड. So, I think still people are asking to take their names, but it was really, ma'am, lovely interacting with you again after a year. And Thank you thank you so so much much. for giving us your precious time. Even I hope you enjoyed interacting with us, and soon you'll be. I really enjoyed. I really enjoyed. You have That's coming. 105 regions watching us. So yeah. Yeah. So thank you so And much, ma'am, for joining. And stay my safe pleasure. for Thank you. hope to see you very soon. सभी लोग, आप लोग एक लास्ट एडवाइस देना चाहूंगी, बिकॉज जी अभी वायरस के वजह से एवरीबडी हैज बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट हाइजीन एंड ऑल ऑफ दैट. सो इफ यू गाइज एंड अप गोइंग ट्रैवलिंग पब्लिकली, और ट्रैवलिंग और बींग इन योर ऑफिस से इन द नेक्स्ट 1 or 2 months, गर्ल्स प्लीज वेयर अ स्टोल अराउंड योर नेक, सो दैट इफ यू हैव टू कॉफ अ स्नीज, यू इमीडिएटली हैव समथिंग टू कॉफ इन टू एंड स्नीज इन टू. एंड गाइज कैन ऑब्वियसली कैरी ऑन नैपकिन, और कीप अ कर्चू फॉर समथिंग रियली हैंडी ऑन देयर डेस्क, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट reasons this virus can spread. And wash your hands, make sure you keep maintain personal hygiene, mask पहन के जाइए, ताकि अगर आपका हाथ कहीं infected जगह को लग जाए, and it touches your mouth, it doesn't enter and you don't catch the virus. So yeah, just maintain hygiene and be very careful and safe, all of you.
so much, ma'am, for that advice, and I hope people will Lots of implement. love. I had fun, guys, with all of you. Stay safe. Be good. Save water. Please save water every single time you open your tap. Okay. Take care. Lots of love. Bye, Bye. ma'am, so much. Bye. Bye. Bye.